आप लोगों का मेरे किचन में वेलकम। आज मैं बनाऊंगी मसाला पराठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला पराठा बनाने के लिए मैं 200 ग्राम आटा ले ली हूँ। इसमें मैं ग्रेटेड 1 चम्मच लहसुन डाल दी हूँ। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर और फ्रेश धनिया पत्ता जिसे मैंने बारीकी से चॉप कर लिया था और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे, क्योंकि इसे हमें बेलना नहीं है और ना ही गूंथना है। चलिए इसे हम लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो बैटर मेरा बन के तैयार है। देखिए, हमें इतना थिकनेस रखना है। देखिए, इतना थिकनेस कलछी से इस तरह से गिर रहा है, इतना ही थिकनेस हमें रखना है। तो बैटर मेरा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट सेट करने के लिए रख लेंगे। अब मैं एक जार ले हूँ, इसमें एक टमाटर, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और धनिया पत्ता। ये एक खास तरीके का चटनी मैं आपको बताऊँगी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे पीस लूंगी और एक कटोरी में मैं 1 चम्मच मेयोनीज ली हूँ। अब मैं इसमें चटनी डाल के अच्छे से मिला लूंगी। तो इस तरह से चटनी हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और इस पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए ये चटनी कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। चलिए, बैटर भी मेरा सेट हो चुका है। 10 मिनट हो गया है, तवा मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर 1 कलछुल बैटर डाल के इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से फैला लूँगी। देखिए, मैं एक ही जगह डाली हूँ और हल्के हाथों से फैलाई हूँ। इसी तरह से फैलाना है। अब मैं इसे पलट लूँगी। अब पलटने के बाद मैं 1 चम्मच ऑयल लगा लूँगी और मिला लूँगी ऑयल लगाने के बाद। और इस तरफ भी पलट लूँगी और इस तरफ भी 1 चम्मच ऑयल लगा लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए पराठा हमारा फूलना शुरू हो चुका है। बेले हुए पराठा से इस पराठा में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट ज़्यादा लगता है, पर देखिए इस तरह से ये फूलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मेहनत भी कम है और पराठा बहुत टेस्टी बनता है। देखिए किस तरह से पराठा फूल रहा है। 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा। और हाँ, इस पराठे के लिए हम नॉनस्टिक तवा लेंगे। पैन या तवा कोई भी चलेगा, पर नॉनस्टिक लेना होगा। तो सारे पराठे हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए पराठे बनके तैयार हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए।